तो वहीं कोरोना संक्रमण के बाद अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना वैक्सीन के बाद नए वेरिएंट से बचने के लिए अब बूस्टर डोज लगने भी शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में आज से जनता को बूस्टर डोज दी जाएगी, जिसके इससे पहले 60 आयु वर्ग के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण होगा। वहीं टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद है। बूथों की बात करें तो वहां 20% वैक्सीन तीसरी डोज के लिए उपलब्ध होगी। वहीं पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में कार्य कर रहे लोगों का टीकाकरण होगा। डोज को लगाने से पहले उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन के 9 महीने पूरे होने वाला सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। बिना 9 महीने पूरा करने वाले सर्टिफिकेट दिखाने से पहले आप डोज नहीं लगवा सकेंगे। तो कोरोना की दोनों डोज लगने के बाद, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने के बाद अब तैयारी बूस्टर डोज की शुरू हो गई है, जहां उत्तराखंड देखिए किस प्रकार से अग्रसर नजर आ रहा है बूस्टर डोज को लेकर के। हालांकि बूस्टर डोज लगाने के भी यहां बहुत से नियम यहां सामने आए हैं कि आपके पास दोनों डोज वैक्सीनेशन के 9 महीने का अंतराल होना चाहिए, उसके बाद ही बूस्टर डोज आपको लगेगा। साथ ही साथ 60 वर्ष की आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण की यहां पर पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इन सबके साथ देखा गया इससे पहले कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया, जो कि जोरों शोरों से उत्तराखंड सरकार कराती नजर आ रही है। अब देखिए, वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है इस वक्त जो कोरोना से निजात दिलाने के लिए सहायक इस वक्त माना जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर कोई वैक्सीनेट हो, हर व्यक्ति का वैक्सीनेट होना जरूरी है, क्योंकि कोरोना का एकमात्र रामबाण इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना और वैक्सीन लगाना ही है। इसी बीच देखा जाए तो साफ तौर से वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के महापर्व भी इसे माना जाता है, क्योंकि यहां पर अब बूस्टर डोज की तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि संभावित तीसरी लहर जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस तरीके से तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज की बात चल रही है। कुछ नियम है, उसका अनुपालन करने के बाद ही ये बूस्टर डोज आपको लग सकेगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स पे और श्रमिकों को ये बूस्टर डोज लगने की बात यहाँ चल रही है, और सबके बाद आम जनता तक भी ये पहुंचने की कवायद सरकार द्वारा पहुंचाने की कवायद की जाएगी। इस सबके बीच अहम ये हो जाता है कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासा उत्तराखंड में ध्यान दिया जा रहा है, प्रशासन द्वारा सतर्कता बढ़ती जा रही, लोगों को जागरूक करने का काम करवाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच भी जो सच्चाई है वो ये है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे नकारा नहीं किया जा सकता। अब इससे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खास ख्याल कुछ इस प्रकार से कि कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन करें। कोरोना गाइडलाइंस का पालन ही एकमात्र उपाय है जो कि कोरोना से निजात दिलाने में हमारी मदद कर सकता है। समझने वाली बात है, चीन के वुहान से उत्पन्न हुआ ये कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तहलका मचाई और किस तरीके से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया इस कोरोना वायरस ने, ये किसी से अछूता नहीं है। हर देश जो है कोरोना संक्रमण होने की वजह से काफी लॉकडाउन जैसी स्थिति का भी सामना किया देश ने। उसके बाद साफ तौर पर देखा जाए अब ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी को इसका ख्याल रखने की जरूरत है। अस्पतालों की व्यवस्था हमने पहली दूसरी लहर में देखी, जो चीजें हमें पहली लहर में सीखने को मिली दूसरी लहर में उस पर काम किया गया, लेकिन साफ तौर पर जो स्थिति दूसरी लहर में, जो भयावह स्थिति दूसरी लहर में देखने को मिली वो काफी डराने वाली स्थिति थी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, बेड्स की कमी और साथ ही साथ अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था भी सामने आई। अब ऐसी व्यवस्थाओं के बीच जिस तरीके से हर किसी ने देखा जाए अपना तो अपनों को खोया है कोरोना की दूसरी लहर में, और ये दुख साफ तौर पर दोबारा ना देखने को मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ध्यान रखा जाए कोरोना गाइडलाइंस का, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वही माना जा रहा है। बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना, साथ ही साथ वैक्सीनेट होना, यही एकमात्र उपाय है जिससे निजात पाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की, तो वो भी पूरी कवायद में लगे हैं किस तरीके से जनता तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाए, जनता को किसी बात की परेशानी ना हो उसका भी खास ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ जो पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उन पर भी खासा निगरानी रखने की बात की जा रही है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट यहां पर चेक करवाना, दोनों डोज यहां पर लगा होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच अगर देखिए उत्तराखंड में जो मामले बढ़ रहे हैं उससे व्यापारी वर्ग खासा दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिलता है वो व्यापारियों पर ही देखने को मिलता है।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ नितिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। नितिन, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद अगर बात की जाए जमीनी स्तर की देहरादून उत्तराखंड में, तो क्या लगता है लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं या सावधान है लोग? क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कोविड की स्थितियां रहेगी या फिर जो फैसले रहेगी, सभी तरह से लोगों को सतर्क जरूर किया गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही थी। और अब से अगर देखा जाए तो अगर आप मार्केट में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो लगातार लोगों को देखते आते हैं, मास्क लोग उठते नजर आते हैं, लगातार बोलने के बावजूद, सरकार के बताए जाने के बावजूद लोगों में इस तरह की सतर्कता जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लोगों में कोई अभी तक कोई डर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि 1413 मामले कल आए हैं, उससे पहले भी लगातार 1000 संख्या में जो मामले हैं वो लगातार डबल होते रहे हैं। तो लोगों को इससे डरने की जरूर है, पर कहीं ना कहीं लोगों के अभी तक, देखिए नितिन, आपकी बातों से ये तो साफ हो जाता है कि लोग लापरवाही साफ तौर पर बरत रहे हैं। तो अगर लोग लापरवाह हैं तो क्या प्रशासन द्वारा उन्हें जागरूक करने का कुछ कार्य किया जा रहा है या प्रशासन भी इसमें अनदेखी करती नजर आ रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सख्ती करती जा रही है। तो कोविड के मामलों को देखकर इस तरह से प्रदेश में नाइट लॉकडाउन लगाया है, रात को 10 से सुबह 5 बजे तक सब चीजें बंद करने के लिए, किसी को बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। तो उसको लेकर पुलिस जो है, प्रशासन जो है, पूरी तरह सख्त है, लोगों को रोका जाता है और लोगों से बिल्कुल सख्ती से पेश आया जा रहा है। जबकि इस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे, सरकार इसको पूरी तरह सख्ती से ले रही है। साथ ही बताना चाहूंगा कि सरकार ने दूर हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड पेशेंट के लिए रख दिया है कि वहां पर कोविड पेशेंट को एडमिट किया जाएगा। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रही है, पूरी तरह से लोगों को समझा रही है, लगातार वीडियो के द्वारा मैसेज जो है सरकार के द्वारा मिल जा रहे हैं। पर फिर भी ये लोगों का डिसीजन है कि लोग इस बात को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन अभी तक फिलहाल लोगों के अंदर इस चीज का कोई जो है वो डर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बिल्कुल, क्योंकि आज से बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो डरे नहीं बूस्टर डोज लगवाने के लिए, ऐसे में प्रशासन क्या कर रही है उसके लिए? प्रशासन जो है लगातार, शुरुआत से बताना चाहूंगा कि जब से कोविड लगातार मामले बढ़ने स्टार्ट हुए, प्रशासन ने लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं। सरकार ने लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए नए नए निर्देश जारी किए, कोविड निर्देश, नए नए नियम जारी होते रहे हैं। जिस तरह से कोविड केस बढ़ रहे हैं उस तरह सरकार निर्देश भी जारी कर रही है, और अभी जैसे कि बूस्टर लगने वाला है उसके लिए भी सरकार लगातार जो है इसको निर्देश दे रही है कि जल्द से जल्द इसको भी लगाना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड की पहली डोज और दूसरी डोज लगाने के सरकार ने लगातार कई कई चीजों को लेकर लोगों को जागरूक किया था कि लोग इंजेक्शन लगवाए, कोविड के इंजेक्शन लगवाए। तो अब इस चीज के लिए भी सरकार जो है जागरूक कर रही है और लोगों को बता रही है कि किस तरह से कोविड जो है कितना खतरनाक है और कितना, मतलब पूरी दुनिया में जिस तरह से फैला हुआ है और जिस तरह से इसकी तेजी से हमारे देश में जो कोविड के पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सतर्क रहने की लोगों को जरूरत है और जो बूस्टर डोज उसको लगवाने की भी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए नितिन। और साफ तौर पर देखिए, हमारे संवाददाता देहरादून से नितिन हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कितना जरूरी हो जाता है कि लोग सतर्कता बरते, सबके साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, आपको भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। चलिए।